नमस्कार, साथ आपके मैं निशा सिंह और ये है मेरा YouTube चैनल। बात करेंगे हम विनेश फोगाट की। पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हुई पहलवान विनेश फोगाट आज शनिवार को पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में पहुंची। यहां किसान नेताओं ने मंच पर उनको सम्मानित किया। किसानों की तरफ से आंदोलन को 200 दिन पूरे होने पर यह कार्यक्रम रखा गया था। इसके बाद विनेश फोगाट खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में भी शामिल होने वाली है। इस मौके पर विनेश फोगाट ने कहा, आज किसानों को यहाँ बैठे हुए 200 दिन हो गए हैं, लेकिन जोश पहले दिन जैसा ही है। आपकी बेटी आपके साथ है। मैं सरकार को कहती हूँ कि देश के लोग हक में जो है, अपने हक में जो आवाज उठाते हैं, वो हर बार पॉलिटिकल नहीं होता है। इसे किसी धर्म से नहीं जोड़कर देखना चाहिए। विनेश ने आगे क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा, मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि उन्हें सुनना चाहिए। उन्होंने पिछली बार अपनी गलती स्वीकार की थी, उन्हें अपने वादे पूरे करने चाहिए। इसे हल करना सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। आपको बता दें कि शनिवार को किसानों के विरोध प्रदर्शन के 200 दिन पूरे हो गए हैं। किसानों ने आज जो है पूरे शंभू बॉर्डर पर इस मील के पत्थर को मनाने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा होने की योजना बनाई थी। विरोध प्रदर्शन खनौरी, शंभू और रतनपुरा बॉर्डर पर होने की योजना है। 13 फरवरी से किसान शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, जब पुलिस ने उन्हें दिल्ली जाने से रोक दिया था। आपको ये भी बता दें कि प्रदर्शनकारी अन्य प्रमुख मुद्दों के अलावा सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर विनेश फोगाट ने क्या कुछ कहा, उसकी कुछ 5 पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। चुनाव लड़ने पर उन्होंने क्या कुछ कहा है ये आपको बताते हैं। कांग्रेस के विधानसभा चुनाव में टिकट दिए जाने के सवाल पर विनेश ने कहा कि मुझे नहीं पता पॉलिटिक्स का, मुझे पॉलिटिक्स का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, सच्चाई बता रही हूँ, कभी भी इतना डीप में मैं नहीं गई हूँ। खेलों के बारे में पूछेंगे तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन हर जगह पर किसान है, अगर वो नाराज है तो उसका असर खिलाड़ियों पर भी होता है। विनेश के कांग्रेस के टिकट पर चरखी दादरी या फिर जुलाना सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा है। वह जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि मेरा देश पीड़ित है और जो देश का किसान है वो परेशान है। मैं अपने परिवार के पास आई हूँ, अगर आप इस पर बात करेंगे तो आप उनके संघर्ष और लड़ाई को बर्बाद कर देंगे। आज फोकस मुझ पर नहीं है, फोकस किसानों पर होना चाहिए। मैं एक एथलीट हूँ, मैं पूरे देश की हूँ, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि किस राज्य में चुनाव हो रहे हैं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरा देश पीड़ित है, किसान परेशान है, उनके मुद्दों का समाधान होना चाहिए। जो तीसरा मुद्दा था उसको लेकर क्या कुछ कहा है उन्होंने, एक बार फिर से उन्होंने किसानों का ही मुद्दा तीसरे मुद्दे में भी उठाया। उन्होंने कहा कि किसान जो है वो देश को चलाते हैं, उन्हें देखकर दुख होता है, बुरा लगता है। विनेश ने कहा कि किसानों के आंदोलन को 200 दिन पूरे हो गए हैं, यह देखकर दुख होता है कि वे सभी इस देश के नागरिक हैं, किसान देश को चलाते हैं, उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है, यहाँ तक कि खिलाड़ी भी नहीं है। अगर वे हमें खाना नहीं देंगे तो हम भी कॉम्पिटिशन नहीं कर पाएंगे। कई बार हम असहाय होते हैं और कुछ नहीं कर पाते। हम इतने बड़े स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन हम अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पाते, भले ही हम उन्हें दुखी देखते हो। चौथा जो बेहद अहम पॉइंट था, उन्होंने कहा कि पहलवान आंदोलन में हमारा भी हौसला टूटता था। विनेश ने कहा कि जब भी कोई आंदोलन चलाता है तो उम्मीद टूटने लगती है, क्योंकि हम खुद ऐसी जगह से निकले हैं, जब हम दिल्ली में बैठे थे तो हमारा भी हौसला टूट रहा था, पता नहीं था कि कब मानेंगे कब नहीं मानेंगे, लेकिन यहाँ हौसला देखकर लग रहा है कि पहला ही दिन है। अगर लोग इस तरह सड़कों पर बैठे रहेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। और जो पांचवा पॉइंट था वो ये था कि हमारे परिवार को लड़ना आ गया है। विनेश ने कहा कि हमारे परिवार को लड़ना आ गया है, उन्हें पता लग गया है कि अपना हक चाहिए तो सड़कों पर आना पड़ेगा। इन्हें देखकर हमें भी बहुत हौसला मिला है, अपने हकों के लिए लड़ना सिखाया है, सच्चाई के लिए बोलना सिखाया है। मैं भगवान की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस परिवार में जन्म दिया, मुझे मौका दिया कि मैं इस परिवार को जानूं। आप बता दें, इससे पहले विनेश ने जो है परिवार के साथ शुक्रवार को अमृतसर स्थित गोल्डन टेम्पल में माथा टेका और यहाँ पर उन्हें शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से सम्मानित भी किया गया। इस दौरान श्री दमादम साहेब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने विनेश को गोल्डन टेम्पल का मॉडल देकर सम्मानित भी किया। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।